आप सबको पता है मैं रिसेंटली लोनावला गई थी और व्लॉग्स भी बहुत बहुत जल्दी आ रहे हैं और मैंने वहाँ से की है बहुत सारी शॉपिंग, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। मेक श्योर करें कि आप टी और कॉफ़ी लेकर ज़रूर बैठें क्योंकि बहुत लंबा शॉपिंग हॉल होने वाला है। एंड नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो बिफोर मैं ये शॉपिंग हॉल शुरू करूँ मैं आप सबको बताना चाहती हूँ हमारे लिए इस वक्त अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आजकल मैं ले रही हूँ ये कपीवा का वीट ग्रास जूस जिसमें बहुत सारे विटामिंस है, मिनरल्स है, 70% क्लोरोफिल है जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हमारी एनर्जी को अपलिफ्ट करता है। अगर आपकी ग्रे हेयर है, अगर आपको डैंड्रफ है उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा और आपके डाइजेशन में आपको हेल्प करता है। एक एंटी एजिंग एजेंट है और वाई कपीवा का ही वीट ग्रास जूस क्योंकि ये फ्रेशली ग्रोन है मॉइस्ट क्लाइमेट में और इसको लेना भी काफ़ी आसान है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसे कैसे लेती हूँ। सो, इसको बनाना भी काफ़ी आसान है। सबसे पहले आपको बॉटल को ना अच्छे से शेक करना है एंड इसमें आपको लेना है 30 ml वीट ग्रास जूस और 30 ml पानी के साथ मिक्स करके आपको पी लेना है। अगर आप इसे दिन में दो बार लेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो चलिए अब शुरू करते हैं और मैं रैंडमली ना कुछ भी उठाती रहूंगी और आपको दिखाती रहूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो सबसे पहले हमारे पास है ये बोल्स और इनका प्रिंट देखो काफ़ी अच्छा है। मुझे ये येलो और ब्लू का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा। इसमें आप सूप पी सकते हैं, कुछ खा सकते हैं, तो मैंने ऐसे लिए 3 बोल्स। नेक्स्ट आप मेरे पास है ये एक प्लेट या ट्रे, आप इसे कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली ना इसके साथ एक पूरा सेट है जिसमें है ये 2 क्यूट से कप्स और एक क्यूट सी केटल जो मुझे बहुत प्यारी लगी एंड जस्ट परफेक्ट। नेक्स्ट अप हमारे पास है ये सेम प्रिंट में हमारे पास एक ही कंटेनर है, मतलब जिसमें आप एक्चुअली ऑर्गेनाइजर, आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं, यू नो रोटीज नान कितने सुंदर लगेंगे, तो आप इसमें भी कुछ भी रख सकते हैं। एक्चुअली इसमें पिज्ज़ा भी रख सकते हैं, पिज्ज़ा खाने का मन कर रहा है मेरा। नेक्स्ट अप हमारे पास है ये पास्ता बोल, इसका प्रिंट कितना ही ज़्यादा सुंदर है और इसमें ना वो स्पेगेटी पास्ता खाने में बड़ा मज़ा आता है, तो आप लोगों को पता है मेरा स्पेगेटी पास्ता काफ़ी फेवरेट है, तो मैं ये लाई हूँ 2 मटकी वाली बॉटल जिसमें पानी ठंडा भी रहेगा और ये कितनी क्यूट भी लग रही है। एक्चुअली मैं सोच रही थी कि मैं इसको पेंट भी कर सकती हूँ, अगर आप चाहते हैं मैं इसको पेंट करूँ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। फिर मैं लेकर आई हूँ ये 2 ब्यूटिफुल से सेट्स, काफ़ी प्यारा प्रिंट है इनका और इसमें आप सौंफ रख सकते हैं, अचार रख सकते हैं, नमक, आई थिंक नमक भी रख सकते होंगे, बट यू नो काफ़ी क्यूट है इनका प्रिंट, देखो आई रियली लाइक इट। नेक्स्ट अप मेरे पास है ये बहुत प्यारी सी ऑरेंज कलर की ट्रेज, ये डेकोरेशन में भी कितनी प्यारी लगेंगी और ऐसे मैं एक बड़ा साइज में लेकर आई हूँ, जब भी मुझे कुछ पसंद आता है ना मैं वो दो ले लेती हूँ। सो यस, इसका है ये एक बड़ा सा साइज। नेक्स्ट अप मेरे पास है ये, मुझे ये काफ़ी क्यूट लगा और ये कितना सुंदर है, इसमें आप है ना नाचोज रख सकते हैं, यहाँ पे आप डिप रख लो या मोमोज खा सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, बट ये काफ़ी प्यारा लगा और इसका लुक काफ़ी क्लासी लगा मुझे। और फिर मैं लेके आई हूँ एक बड़ी सी फुल साइज प्लेट, इसका कितना सुंदर और प्यारा प्रिंट है ना, आई जस्ट लव इट। सो नेक्स्ट अप मैं लेकर आई हूँ 3 कढ़ाई का सेट जिसमें एक स्मॉल कढ़ाई, फिर है एक मीडियम और एक है लार्ज। सो इन केस अगर कोई घर पे आएगा तो हम इसमें दाल सब्जी और वो सब डाल सकते हैं और ये काफ़ी अच्छा लगेगा। इसका भी प्रिंट अगर आप देखो काफ़ी अच्छा है, ये सब सिरामिक के हैं एंड रियली नाइस। और गाइस मैंने जहाँ से इन्हें लिया है ना मैं उनका नाम और नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रही हूँ, तो इन केस अगर आप लोनावला जाते हैं वहाँ से शॉप कर सकते हैं, काफ़ी रीजनेबल प्राइस थे उनके एंड ऑफकोर्स बार्गेनिंग हमेशा हर जगह चलती है। फिर मैंने लिए ये अलग अलग कलर्स में एक वाटर प्लेट काफ़ी सुंदर है, आई थिंक ये सारी जितनी भी क्रॉकरी है ना वो दिवाली के टाइम पे काफ़ी काम आने वाली है और ये कलर्स देखो कितने ज़्यादा प्रिटी हैं, वहाँ पे जितने भी कलर्स थे वो मैंने सारे उठा लिए हैं। सो यस, एंड आई थिंक येलो और ग्रे वाला जो है वो मेरा सबसे फेवरेट है
ऑल्सो मैं संभावना को थैंक यू बोलना चाहूँगी क्योंकि मैंने उसके व्लॉग्स में देखा था कि वो लोनावला से शॉपिंग कर कर आई है एंड देन आई वाज लाइक मुझे भी जाना है और मुझे भी ये सब लेना है। फिर मैं यही वाली जो स्टाइल की जो प्रिंट की प्लेट है ना मैं ऐसी चार प्लेट्स और ले आई कि हम इसमें खाना खा सकते हैं, तो यस हम चार लोग हैं तो चारों के लिए एक प्लेट एंड ऐसी एक बिग साइज में ना मैंने ही वाले प्रिंट की भी प्लेट ली है जो बहुत सुंदर प्रिंट है। इसका प्रिंट देखो कितना ज़्यादा प्यारा है, मुझे लग रहा है मैं सारी अपने डाइनिंग टेबल पर रख दूँ और इसमें कुछ कुछ डाल दूँ कि आई जस्ट कांट वेट टू यूज़ देम। और मुझे सबसे पहले आपको दिखाना था इसीलिए अभी तक मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया है बिकॉज हमको ये प्रिंट इतना अच्छा लगा कि हम इसमें एक और चीज़ ले आए। इसमें आप बेसिकली रोटी नान वैसा वाला है, इसमें आप दाल भी डाल सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहेगा। ये प्रिंट मुझे काफ़ी क्लासी लगा। नेक्स्ट आप मेरी सबसे फेवरेट चीज़ जो मैं अपने ऑफिस में लेकर आई हूँ ये आउल वाला पॉट, इसमें प्लांट डाल के रखूँगी और ये मेरे ऑफिस के वाइब के साथ जस्ट परफेक्ट जा रहा है और ये कितना ज़्यादा प्यारा है। आपको पता है वहाँ पर है ना उनके पास ये लिटरली हर कलर में था एंड आई वॉज लाइक कि मुझे कोई एक कलर चूज़ करना है एंड देन आई चूज दिस वन एंड आई लव्ड इट। रिमेंबर मैंने आपको ये वाला सूप बोल दिखाया था, इसके साथ हम लेकर आएंगे चार स्पून्स एंड उसके बाद मैं लेकर आई हूँ टाइनी टाइनी यू नो कंटेनर्स टू कीप अचार चटनी और एनी थिंग। बट ये कितने प्यारे इनके प्रिंट्स इतने ज़्यादा सुंदर थे कि मैंने सबके दो दो उठा लिए हैं। फिर मैं लेकर आई हूँ ये शू विच इज़ एक्चुअली ऐश ट्रे पर मैं स्मोक नहीं करती हूँ बट मुझे ऐसा लगा कि ये ऐसे रखने के लिए काफ़ी सुंदर रहेगा तो इसलिए मैं ये घर के लिए ले आई। नाउ दिस इज़ बेसिकली एक ही ह्यूमिडिफायर भी है और एक लैम्प भी है, तो अगर आप इसमें एक प्लग ऑन करेंगे जो ग्रीन हो जाता है उससे ये ह्यूमिडिफायर बन जाता है, नहीं तो वैसे आप इसे एज अ नाइट लैम्प यूज़ कर सकते हैं। और फिर मैं नवरात्रि दिवाली के लिए ऑफिस से लेकर आई हूँ लैम्प और ये लिटअप होके इतना सुंदर दिखता है जो मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँगी एंड इट लुक्स रियली रियली प्रिटी। लुक एट दिस। तो ये है मेरी लोनावला की सारी शॉपिंग जिसे देखकर है ना मुझे एक अलग सी खुशी हो रही है बिकॉज शॉपिंग से मुझे बहुत खुशी मिल रही है। सो मैं जहाँ से शॉपिंग की है ना उनकी शॉप का नाम, उनका नाम और उनका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है। उन्होंने काफ़ी रीजनेबल प्राइस हमको लगाया तो मैंने सोचा कि मैं आपको बता देती हूँ इन केस अगर आप लोनावला जा रहे हैं तो वाई नॉट यू नो बाई समथिंग ऑन रीजनेबल प्राइजेस। सो येस आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल, कॉमेंट डाउन बिलो व्हाट यू वांट टू वॉच नेक्स्ट और आपकी कौन सी फेवरेट चीज़ है कि मेरा है ये फेवरेट आउल एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून। बाय।